पेपर लीक की बात पर आग बबूला अखिलेश, बेरोजगारों के सब्र का इम्तिहान नाले सरकार, अखिलेश ने साधा सरकार पर निशाना। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा निकाली गई कांस्टेबल के 60,244 पदों की भर्ती की लिखित परीक्षा 2 दिन में संपन्न हो गई। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने 2 दिन 17 और 18 फरवरी को लिखित परीक्षा दी। इस दौरान जहां एक तरफ पुलिस और प्रशासन का कड़ा पहरा रहा, तो दूसरी तरफ कई जिलों से पेपर लीक और सॉल्वर्स पकड़े जाने की खबरें भी आईं। वहीं इसे लेकर अब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार बेरोजगारों के सब्र का इम्तिहान ना ले। पेपर लीक होने की बात को लेकर अखिलेश ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के सभी सत्रों का पेपर लीक होने की खबर सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट के साथ फैल रही है। इसको लेकर लाखों बेरोजगार युवाओं में आक्रोश का माहौल है। पिछली अन्य परीक्षाओं की तरह इस बार भी रोजगार देने के नाम पर पेपर लीक होने की जो आशंका थी, वो सच होकर समाचारों के रूप में सामने आ रही है। भाजपा सरकार बेरोजगारों के सब्र का इम्तिहान ना ले। विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार युवा किसी तरह परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन भाजपा राज में उनके साथ हमेशा मजाक सा ही होता है। लगता है भाजपाइयों ने परीक्षाओं को पैसे कमाने का कारोबार बना रखा है। तभी तो ऐसे राजनीतिक प्रश्न प्राप्त लोगों के खिलाफ कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं होती है और हर परीक्षा में यही खेल खेला जाता है। भाजपा ने युवक युवतियों का विश्वास खो दिया है। इस लोकसभा चुनाव में युवा भाजपा को पदमुक्त कर देंगे। युवा ये कहता आज का नहीं चाहिए भाजपा। बता दें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा संपन्न हो चुकी है। इस दौरान गड़बड़ी करने वाले करीब 244 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं कई जगह दूसरों की जगह बैठकर एग्जाम से रहे लोगों, तो कहीं पर सॉल्वर गैंग्स को पकड़ा गया है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर पेपर लीक की खबरें भी तैरती रही। इसे लेकर खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिए। उन्होंने कह दिया कि पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के सभी सत्रों का पेपर लीक होने की न्यूज सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट के साथ फैल रही है, जिससे लाखों बेरोजगार युवाओं में आक्रोश का माहौल है। वैसे सरकारी परीक्षाओं के लिए पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद दिख रही थी। मथुरा से लेकर एटा और मैनपुरी से लेकर लखनऊ तक हर सेंटर पर पुलिस और प्रशासन का चुस्त दुरुस्त इंतजाम रहा था। साथ ही प्रशासन की तरफ से विशेष ट्रेनों को भी चलाया गया था। इसके अलावा भीड़ मैनेज करने के लिए भी एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई थी। बता दें कि यूपी पुलिस में 60,244 पुलिस आरक्षी पदों की भर्ती के लिए 17 और 18 फरवरी को प्रवेश परीक्षा सभी 75 जिलों के 2,385 सेंटर्स पर आयोजित कराई गई थी। यूपी सरकार द्वारा शनिवार और रविवार 2 पालियों में हुई इस परीक्षा को लेकर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।